Kumari Shabnam and you are watching All About Teaching. Today I am going to discuss the question answers of chapter number 2, Flowers and Fruits, class 4 science DAV publication. Let us see what are the questions. Question D is, answer the following questions in brief. Number 1, state any two uses of flowers. You have to state any two uses of flowers. कोई भी दो use हमें बताने हैं, तो वो दो use क्या हो सकते हैं? Uses of flowers. Or following are the uses of flowers. First one is, flowers are used in making perfumes. For what flowers are used? They are used to make perfume, scent, है ना? Number 2 is, flowers are used for decoration. Flowers are also used for decoration purpose. Now let us see question number 2. Question 2 is, how does green leaves help a bird? How does green leaves help a bird? Bird kaise help karta hai green leaves ko? Answer. Green leaves help a bird to bloom into flower and protect a bird. Kya karta hai wo? Wo protect bhi karta hai aur saath hi saath wo bird ko ek flower mein bloom hone mein help bhi karta hai. Now let us move to the next questions. Question number 3 is, name two flowers eaten as vegetables. कौन से दो फ्लावर हैं जिसको एज अ वेजिटेबल खाया जाता है? तो उसमें है कचनार एंड साजन. फ्लावर्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स. यहाँ पर आप बनाना भी लिख सकते हैं क्योंकि बनाना का फ्लावर भी एज अ वेजिटेबल खाया जाता है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. नेम एनी थ्री ड्राई फ्रूट्स, राइट टू वेज इन विच दे आर यूज इन आर डेली लाइफ. हमारे डेली लाइफ में ड्राई फ्रूट्स किस तरह से यूज़फुल हैं, और कोई भी तीन ड्राई फ्रूट्स का हमें नाम लिखना है. आंसर, कैश्यू नट्स, वॉलनट्स एंड आमंड आर ड्राई फ्रूट्स. दे आर ईटन एज सच, जैसा है वैसे ही उसको खाया जाता है. एंड आर ऑल्सो यूज्ड, एक तो उसका यूज़ है खाने में, एंड द सेकेंड वन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपेयरिंग वेरियस डिशेज दैट आर जनरली ईटन ड्यूरिंग विंटर सीजन्स. जो विंटर सीजन्स में जो जो भी डिशेज खाई जाती हैं उनको प्रिपेयर करने में हम यूज़ करते हैं ड्राई फ्रूट्स का. क्यों? क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमारी बॉडी को वॉर्म रखता है और साथ ही साथ हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1, राइट 5 लाइन्स अबाउट फ्लावर्स. फ्लावर्स के बारे में कोई 5 लाइन लिख ली है मैंने. यहाँ पे बहुत सिंपल सी 5 लाइन्स उठाई हैं आपके लिए जिसको आप आराम से लिख सकते हो, आराम से लर्न कर सकते हो, एंड इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. फर्स्ट पॉइंट इज, फ्लावर्स डेवलप फ्रॉम अ बर्ड. फ्लावर कहाँ से डेवलप होता है? एक बर्ड से. एक छोटा सा बर्ड रहता है, वो धीरे धीरे फ्लावर बनता है, ब्लूम होता है. सेकेंड पॉइंट, फ्लावर्स मेक फ्रूट्स. फ्लावर्स ही फ्रूट्स बनाते हैं, जो भी फ्रूट वाले प्लांट्स होंगे उसमें. फ्रूट्स, फ्लावर्स आर कलरफुल एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट्स. फोर्थ पॉइंट, फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन. फिफ्थ पॉइंट इज, फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज इन प्रिपेयरिंग कॉस्मेटिक्स. कॉस्मेटिक्स को यूज़ करने में भी फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीजनल फ्लावर्स? गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सीजनल फ्लावर्स. आंसर, फ्लावर्स ब्लूमिंग फॉर अ पर्टिकुलर सीजन. जो भी फ्लावर एक पर्टिकुलर सीजन में, जो समर फ्लावर्स है वो समर में ब्लूम करते हैं, विंटर फ्लावर विंटर में ब्लूम करते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर सीजन के लिए ब्लूम करते हैं, तो उस तरह के फ्लावर्स को हम सीजनल फ्लावर्स कहते हैं. तो आंसर कैसा है? फ्लावर्स ब्लूमिंग फॉर अ पर्टिकुलर सीजन्स आर कॉल्ड सीजनल फ्लावर्स. एग्जाम्पल्स आर चमेली, चाइना रोज जो कि समर में होता है, डालिया एंड रोज दे ब्लूम इन विंटर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. राइट एनी टू यूजेस ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स के दो यूजेस बताने हैं. क्या यूज है? टू यूजेस ऑफ फ्रूट्स आर, फ्रूट्स स्टोर फूड एंड सीड्स इन देम. एक तो फूड और एक सीड स्टोर करता है वो. फूड पार्ट जो हम खाते हैं, और सीड पार्ट जो कि न्यू प्लांट को जर्मिनेट कराता है. सेकेंड पॉइंट, फ्रूट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू अवर बॉडी. और फ्रूट्स हमें, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब हम फ्रूट्स को इनटेक करते हैं, जब हम फ्रूट्स को खाते हैं. द लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. लिस्ट द फूड प्रिपरेशंस दैट कैन बी मेड यूजिंग मैंगो फ्रूट. मैंगो फ्रूट को यूज़ करके कौन कौन से फूड आइटम्स बनाए जा सकते हैं. आंसर, फॉलोइंग आर द फूड प्रिपरेशंस दैट कैन बी मेड यूजिंग मैंगो फ्रूट, दैट इज पिकल, अचार है, चटनी और मार्मलेड्स बनाया जा सकता है ना. आम से हम लोग आम पापड़ भी बनाते हैं ना, चटनी बनाते हैं, पिकल बनाते हैं, तो और आम से आम का रस भी बनता है, आम का जूस बनता है. आप यहाँ पे मैंगो जूस भी लिख सकते हो, ठीक है ना. फूड तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 3 फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है. और इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो कि है प्लांट्स अराउंड अस. ओके एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.